अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेथी तो सबके घरों में आती होगी क्योंकि अभी मेथी का सीज़न है और ये बनती भी बहुत मज़े की है, लेकिन इसको तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो आज मैं आपको ऐसा एक बताऊंगी जिससे आपकी ढेर सारी मेथी मिनटों में आप तोड़ लेंगे। तो चलते हैं हमारे टिप्स की तरफ। टिप नंबर वन, सफ़ेद कपड़े नील के बिना तो बिल्कुल बेरौनक लगते हैं, लेकिन जब भी हम नील डालते हैं तो कभी नील ऐसा होता है कि कपड़ों में धब्बे कर देती है और या तो फिर हमारे हाथ भी उसके साथ ब्लू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इतनी अच्छी टिप बताऊंगी कि आपके कपड़ों में धब्बे भी नहीं होंगे और आपके हाथ पे भी नील का कलर नहीं आएगा। जब भी आप नील डालें तो उसके अंदर पहले थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, जो खाने वाला हमारा सादा नमक होता है वो नमक ऐड कर दें। फिर उसके बाद उसमें नील ऐड करके अच्छी तरह से हिलाने के बाद फिर आप उसमें कपड़ों में नील दें, तो आपके कपड़ों में नील बहुत अच्छी लगेगी और बिल्कुल एक जैसी होगी और कहीं पे भी धब्बे नहीं होंगे। आप एक बार ये टिप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही काम वाली टिप है, तो आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ये देखें, नील लग चुकी है। अब इसको सुखा दूंगी मैं और ये बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, और आप देखें मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। टिप नंबर टू, इस तरह के बॉक्सेस तो अक्सर घरों में होते हैं, तो आज मैं आपको इसका इतना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी कि ये बॉक्स आपके घर में कभी भी फालतू नहीं रहेगा। इस बॉक्स को हम वैसे भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं अक्सर, कभी कुछ इसमें रख देते हैं, काफ़ी सारी चीज लोग इसको यूज़ भी करते होंगे, लेकिन मैं आज आपके साथ बहुत अच्छा आइडिया शेयर करूँगी। आप इस तरह के ट्रांसपेरेंट डिस्पोजेबल ग्लास ले लें, ये भी अक्सर हमारे घरों में होते हैं, और इसको इसके डब्बे के साइज़ के हिसाब से कट कर लीजिए। जितने इसमें आ रहे हैं डब्बे में हमें उतना ही कट करना है कि ईजीली हमारा ऊपर से इसका जो कैप है बॉक्स का वो बंद हो जाए। तो अब ये देखें, मैं ग्लास को इसके अंदर रख के मार्कर की मदद से निशान लगा लूँगी पूरे ग्लास पे, ताकि ये बिल्कुल एक जैसा कटे। तो ये देखें, मैंने निशान लगा लिया है, अब मैं इसको कट कर लूँगी। आप इसको किसी भी चीज़ की मदद से कट कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, कैंची से या नाइफ से या फिर कटर से, जैसे भी आपको इजी लगे तो आप इस चीज़ को कटिंग कर लें। अब ये देखें, मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब मैं इसके साइज़ के हिसाब से चार ग्लास और ले लूँगी, उन चारों को एक साथ कट कर लूँगी। अब ये आपके डब्बे के ऊपर है, आपके डब्बे में कितने ग्लास आए, चार भी आ सकते हैं, पांच भी आ सकते हैं, वो इस हिसाब से कट कर लीजिएगा। तो ये देखें, मैंने चारों ग्लासों को कटिंग कर लिया है, अब मैं इसके अंदर इनको सेट कर दूंगी। शायद वीडियो में क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अब इसमें आप कोई भी चीज़ें रख सकते हैं, आप इसका बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। आप इसमें ज्वेलरी रख सकते हैं, अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, क्लिप्स वगैरह, बाल पिन वगैरह, आप जिस जो चीज़ें चाहें, छोटी छोटी हों जो हमें वक्त पे नहीं मिलती, अब उन सब चीज़ों को इनमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये रखे हुए बहुत अच्छे भी लगेंगे और एक मिक्स भी नहीं होंगे, अंदर जो सामान होगा इसका वो सब सेपरेट भी रहेगा। अब देखें, मैंने इसके अंदर मिर्च मसाले ऐड करें। अब ये सारा सामान ऐसा है जो हम लोग मसाला भूनते वक्त इस्तेमाल करते हैं, ये चार मसाले मेन हैं। तो ये देखें, मैंने इसमें ऐड किया है, तो ये कितना अच्छा बॉक्स तैयार हो गया है मसाले का। इस तरह के बॉक्स बाजार में भी मिलते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस तरीके से घर में भी हम बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक और आइडिया शेयर करूँगी। इसके साथ साथ हम ये देखें, इसके अंदर
पोनी बैंड या केचर वगैरह बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, हम उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्लिप्स, बालपिन वगैरह, ये हमें बच्चियाँ जो होती हैं छोटी हमारे घर में, तो वो बहुत कबाड़ा करती हैं घर का। तो ये देखें, ये भी कितना अच्छा लग रहा है, बॉक्स एक तरह है सारा सामान, और बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो आई होप आपको ये मेरी टिप भी पसंद आई होगी। नंबर 3, तो हमारे जो मसाले के जार होते हैं इनको साफ़ करने का मैं आज आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी कि आपके कभी भी जार गंदे नहीं होंगे और हमेशा आपके जार साफ़ सुथरे होंगे। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग जब भी कुछ ये खाली हो जाते हैं तो हम इसको इसी के अंदर रिफ़िल कर देते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर हमारे जार जो है वॉश होने में नहीं आते, और फिर कभी ऐसा होता है कि ईद आ रही है या फिर हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें सारे जार खाली करके और सबको अच्छी तरीके से वॉश करना पड़ता है। तो मैं आज आपको एक साथ इतना अच्छा आइडिया शेयर करूँगी, जब भी आप इसको रिफ़िल करने वाले हों तो आप सबसे पहले इसको वॉश कर लीजिए अच्छी तरीके से, और वॉश करके फिर आप इसको ड्राई करने के बाद ही रिफ़िल किया करें। तो इस तरीके से जब भी आपका हर जार जो है कभी ना कभी थोड़े थोड़े दिन में वॉश होता रहेगा, और इस तरीके से आपके सारे जार साफ़ सुथरे रहेंगे, तो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो जब भी मसाले खाली हों तो आप उसको पूरा खाली होने का इंतज़ार करें, उसके बाद उसको वॉश करके अच्छी तरीके से फिर उसको रिफ़िल किया करें। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, आई होप आपको पसंद आए। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 4। मेथी खाने में तो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन इसको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़ास करके ये काम खवातीन के होते हैं। तो आज मैं आपके साथ इतना अच्छा आइडिया शेयर करूँगी मेथी तोड़ने का कि आपकी सारी मेथी इतनी जल्दी टूट जाएगी और आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो कोई भी आप इस तरह का चमचा ले लीजिए जिसके अंदर छोटे छोटे होल हों, और इस तरीके से आप मेथी को डालें और सारे जो है ना पत्ते इस तरीके से सारे निकल जाएंगे। चाहे तो आप काफ़ी सारे इसके अंदर होल हैं, एक साथ काफ़ी सारी मेथी भी तोड़ सकते हैं। हर एक होल के अंदर आप एक एक पत्ती डालेंगे तो आपकी एक ही बारी में काफ़ी सारी मेथी टूट जाएगी। तो आई होप आपको मेरी टिप भी पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।